एसएससी जीडी का फॉर्म 24 नवंबर से भरने वाले हैं। बिल्कुल आप भरना स्टार्ट कर देना और फरवरी में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा एसएससी जीडी का। और अभी दिल्ली पुलिस का आने वाला है, कब होगा? नवंबर में, मिड ऑफ नवंबर हो जाएगा। अक्टूबर के बाद मतलब आपके पास अराउंड 1.5 महीना बचा है। इसीलिए हम आपको चैप्टर वाइज मैथ्स प्रैक्टिस करा रहे हैं। कैसा? चैप्टर वाइज मैथ्स प्रैक्टिस करा रहे हैं, बिल्कुल पीक टाइम पर, ठीक है। पहला मैंने आपको एक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा दिया है। इसी यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो हम क्वेश्चन करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें आपको जो मेन चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा वो होगी मेरी क्या कैलकुलेशन टेक्निक, कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच। कैसी? एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच। जब आप एग्ज़ाम दोगे तब जो सेकंड्स में क्लिक होगी माइंड में, वो अप्रोच आपको सिखाएंगे, ठीक है, ताकि आप कम समय में बहुत शानदार परफॉर्म करके आओ एग्ज़ाम में। बिना टाइम गवाते स्टार्ट करते हैं हमारे आज के परसेंटेज के क्वेश्चन को। हर टाइप का क्वेश्चन कवर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, एक कॉलेज में दो कोर्स होते हैं। एम कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एम ए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत निकालिए। एक बार आप कोशिश कीजिए करने की, फिर मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको परसेंट निकाल के बताता हूँ कि कॉलेज में कितने पास हुए। 450 छात्र पास हुए 500 में से, मतलब कि इंटू 100 करूंगा तो कितने आएगा, 20 से 20 करने से 5 से 90%, मतलब जो फर्स्ट कॉलेज था उसमें 90% स्टूडेंट्स पास हुए थे, ठीक है। दूसरे कॉलेज के पास जाते हैं एमए में, मतलब कि एमए एमकॉम पता चल गया मुझे, अब एमए में देखता हूँ कितने छात्र पास हुए। 1500 छात्र पास हुए, कितने में से? 2000 छात्रों में से, इंटू मैंने 100 किया, 200 कैंसिल, 1 से 1, 2 से काटा, 75%, ठीक है 75%। देखिए ये पासिंग परसेंट एम कॉम का है, ये वाला पासिंग परसेंट एम ए का है। मुझे चाहिए इनका कैसा सक्सेस है, मतलब कि कैसा वाला, क्या पूछा इसने, कंबाइंड परसेंटेज। देखिए कैसे निकालेंगे, मैं रेशो ले लेता हूँ। पहले में थे 500 स्टूडेंट्स, दूसरे में एम कॉम में थे 500, एम ए में थे 2000, मतलब कितना रेशो, 2-0 से 3-0 काटा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितना आया था, 1:4, मतलब 1:4 के रेशो में पास हुए हैं स्टूडेंट्स। पहले में 90% पास हुए, दूसरे में 75% पास हुए, ओवरऑल कितना पास हुए ये मुझे बताना है। देखिए 75% तो पास हुए ही, मुझे पता है 75 से कितने ज़्यादा पास हुए हैं, इसमें कितना ज़्यादा पास हुए, 15%, 15% कितने वन पर, मतलब 15% तो पास हुए ही हैं, लेकिन इस 4 और 1 5 पूरे में डिवाइड करना है मुझे इस पे, ठीक है, तो 5 से भाग दिए मैंने, 15 3% आ जाएगा, ठीक है, मतलब 75% प्लस 3% आप देखोगे तो 78% मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। डेविएशन मेथड है ये, डेविएशन मेथड इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसमें डेविएशन लगेगी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के ता हो सकता है आपने इससे पहले नहीं किया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को देखिए, क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, एक बार देखिए क्वेश्चन को अच्छे से, क्या आपको समझ में आ रहा है। ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास है। पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए एक स्कूटर की कीमत 20% की कमी हो गई, इसकी कीमत 72,000 रुपये है, इसका मूल क्या था, अब इसकी कीमत 72,000 रुपये, देखिए कितनी थी, 20%, 20% मतलब 1/5, मतलब इसकी कीमत पहले 5 थी तो अब गिर के 4 हो गई, 4 की वैल्यू मुझे दे रखी है, ये गिरी हुई कीमत, अब ज़्यादा कितनी होगी, 72,000 से ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी देखिए,
चार की वैल्यू मुझे दे रखी 72,000। मुझसे पूछा है कि पांच मतलब पहले कितनी थी उसकी। देखिए, चार से काटा मैंने, कितना आएगा 18, 18,000। 18,000 गुणा पांच करोगे आप तो आंसर आएगा 90,000। 18 × 5 = 90, मतलब कि पहले स्कूटर की कीमत 90,000 थी। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार देखिए क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, बिल्कुल वन लाइनर वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो अभी एग्जाम हुआ था। कब हुआ था? 2023 में, स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में, जब जो एग्जाम हुआ था 2022 वाला, ये वो वाला एग्जाम है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। देखिए, एक वॉशिंग मशीन का मूल 25,000 रुपये है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुई, बाद में 20% कम हुआ, तो वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या, अब कितनी है? पहले 25,000 की थी, अब कितनी? देखना है कितने की अभी, क्या अभी कितने की है, अभी देखना अभी ये कितने की है। मैंने बोला कि अभी है ये 25,000 रुपये, कितने की है ये? 25,000 की। क्या चेंज होते हैं अब समझना। ये पहले 20% की वृद्धि हुई, मतलब कि प्लस का 1/5, प्लस का 1/5, फिर 20% की कमी होती है, मतलब माइनस का 1/5। देखना, पहले थी 5, 5 में 1 की वृद्धि हुई 6 हो जाता है, फिर 5 में 1 की कमी हुई तो 4 हो जाता है, ये आ गया। अब आप देखना, 25, 25 से मैंने काटा तो 1,000, 6 × 24, 24 × 1,000, 24,000। आंसर कितना आ जाता है? 24,000 मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है। मतलब कि जब 20% की वृद्धि और 20% की कमी कर दूंगा मैं, तो 24,000 उसकी फाइनल प्राइस हो जाएगी। क्या आपको कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? कहीं भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, इसका सॉल्यूशन और क्या हो सकता है बता देंगे। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत को कितने परसेंट तक कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल का खर्च समान रहे। देखना, एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार वो चीज आपको क्वेश्चन में अप्लाई होगी। देखिए, जो मेरा एक्सपेंस होता है, जो मैं खर्चा करता हूँ, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक्सपेंस, खर्चा, टोटल किस पे डिपेंड करता है? एक होता है प्राइस, वो कितने की आती है, जैसे चीनी है 50 रुपये की आती है। दूसरा कंजप्शन, मतलब कि मैं कितने किलो चीनी लेके आता हूँ, उसे बोलते हैं कंजप्शन। इसे आप माइंड में रखोगे। वो ये कह रहा है कि खर्चा समान रखना है मुझे, मतलब इसे आपको सेम रखना है। ठीक है, प्राइस और कंजप्शन, प्राइस में वृद्धि हुई है 40% की। देखिए, अगर आप इसे सेम रखना चाहते हो तो इसे कंजप्शन को रिवर्स रेशो में चेंज कर दीजिए। मतलब अगर ये कांस्टेंट है, जो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के रिवर्स होंगे, एक दूसरे के रिवर्स रेशो होंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है इसने? प्राइस, प्राइस का रेशो क्या होगा मेरा? 40% का मतलब होता है 2/5। मतलब अगर प्राइस पहले 5 थी, तो अब 2 बढ़ के प्राइस 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताती, जो कंजप्शन है मतलब जो खपत है, वो प्राइस की उल्टी होती है, मतलब 7:5, 7:5। ठीक है, कितनी गिरी कंजप्शन, कितनी गिरी? मैंने देखा कि कंजप्शन है जो है वो 2 गिर गई। कितनी? 2 गिर गई, 2/7। अब आप जानते हो 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14.28, तो 2/7 की होगी 28.56%, 28.56%। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के आगे भी आपको क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल सबसे फेमस पैटर्न है ये, सबसे फेमस पैटर्न रेशो रिवर्स करने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए क्या कह रहा है, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30%, शेष बचा उसका 30% ईंधन पर खर्च करती है, शेष 4900 बचाती है। टीना की वेतन कितने? देखिए, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट पूछ रहा है मेरे से, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट। मतलब मैं मान लेता हूं कि टीना के पास स्टार्टिंग में X रुपए थे,
टीना के पास स्टार्टिंग में एक्स रुपए थे, अब समझना 30% भोजन पर खर्च करती है, माइनस का 3/10 मतलब उसके पास अगर 10 रुपये थे, 3 खाने पर खर्च कर दिए, बचा कितना 7 रुपया। ठीक है, अब कुछ बचा, अब इसके पास इतना बचा है, अब उसके पास इतना रुपये बचा है, एक्स का 7/10 अभी भी उसके पास बचा, अब समझना शेष का 30% खर्च करती थी फिर से, मतलब इतना तो था उसका फिर से खर्च कर दिया, 10 में से 3 खर्च कर दिए, फिर से 7 अभी भी बचा। अब वो ये कह रही है मेरे पास जो बचा है ना, मेरे पास जो बचा है वो इतना है, कितना 49। देखिए 7 × 7 = 49, डायरेक्ट काटा मैंने, 100 आएगा, 10 × 10 = 100, 100 × 100 10,000, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। मतलब कि टीना की जो वेतन थी स्टार्टिंग की वो 10,000 रुपये थी, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। ये सक्सेसिव वाला क्वेश्चन होता है, आपको अच्छे से आना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन, इसे हित करने के बहुत तरीके होते हैं, या तो आप ट्री बना लीजिए तो भी आप कर सकते हो, लेकिन या फिर आप रेशो से भी कर सकते हो, आप एक तरीका ये भी है, रेशो भी सेम ही है, रेशो और ये तरीका दोनों सेम होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, रेशो से भी कर सकते हो। ट्री जब बनाते हैं, जब वो बीच की वैल्यू पूछता है, ये फाइनल वैल्यू की बात चल रही है, इसीलिए इसमें मैंने ट्री नहीं बनाया। ठीक, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन समझना आपको क्लास में, समझना क्लास में क्या क्या पता चलेगा, साथ में कोई भी अगर फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला नॉर्मली समझने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता चलेगा, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा और जो प्रीवियस ईयर में लग रहा है वो कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। दूसरी, आपको सबसे ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो आपको पता चलेगी, कैलकुलेशन करने का तरीका। ठीक है, और ऐसा बात नहीं है, इन सभी को अप्लाई करके दिखाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूले आपको बताते हैं बाई चांस बीच बीच में, वो आपको एक जगह लिख लेना है या वो माइंड में सेट कर लेना है एक बार, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में लगते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप। देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी हुई, फिर 40% की वृद्धि हुई, वेतन में प्रतिशत कमी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं क्या, जब भी किसी संख्या में x% की कमी हो, तो जो सक्सेसिव होता है, जो कंबाइंड परसेंटेज होती है, उसमें हमेशा क्या होगी, कमी। और कमी कितनी होगी, x²/100, चाहे आप इसे फॉर्मूला कह लीजिए या कॉन्सेप्ट से आया हुआ एक तरीका समझ लीजिए, माइनस का x²/100, मतलब हमेशा कमी होगी, इसीलिए इसने कमी पूछी। कभी कभी इंक्रीज डिक्रीज पूछता है, इसलिए हमेशा कमी होगी। और कितनी होगी ये देखिए, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 × 100, 2 जीरो से 2 जीरो माइनस का 16%, मतलब कि 16% की डिक्रीमेंट होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता। ठीक, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, चैनल पर बने हुए लेना, क्योंकि जो चैनल है हमारा, इस पर आपको लगातार आगे क्लासेस देखने को मिलेंगी, जैसे ही परसेंटेज चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए चैनल पर जरूर बने रहना और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखना, एक तूफान में एक बगीचे में 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए। ठीक है, पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी, पहले पेड़ थे 300, फिर हो गए 243। ठीक है, इतने थे, इतने हो गए, कमी बताना। देखिए, पहले मैं 3 से काट लेता हूं। देखिए, जब भी अगर बेस 100 बना दे तो जो कमी होती है, अगर बेस 100 हो, क्या यदि बेस 100 हो तो कमी या वृद्धि इक्वल कमी या वृद्धि प्रतिशत, जितनी कमी होगी वही एक्चुअल में प्रतिशत में होगी डायरेक्ट। कितनी, 100 में से 81 गया तो कितना 19%, 19 की कमी हुई,
लेकिन चूंकि बेस 100 था इसलिए 19 भी परसेंटेज होगा, 19% मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, अब समझना, अब आपको ये लग रहा होगा सर ये क्या है कमी और कमी परसेंट, ये समझ नहीं आया क्या। एक एग्जांपल लेते हैं, देखना 300 से 243 कितनी कमी हुई, कितनी कमी हुई? मैंने आपसे पूछा कितनी कमी हुई, कितनी होगी, 57 की कमी है, 57 की कमी, 57 की कमी है। क्या आप बताइए, क्या मैं इस कमी को 57% की कमी कह सकता हूँ क्या? बस एक चीज बता दीजिए, क्या मैं 57 को 57% की कमी कह सकता हूँ? इसे मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि बेस 100 नहीं है। बेस 100 बनाने के मुझे 300 इंटू में अपॉन में रखना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 0 से 0 काटूंगा, 3 से 19 काटूंगा, 57, तब जाके 19% आंसर आएगा मेरा। लेकिन अगर मैं बेस को ही 100 बना लूं, बेस को ही 100 बना लूं, तो डायरेक्ट कमी 19% आएगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, बार बार हर जगह लगता है, तो इसे आप याद कर लेना, माइंड में होना चाहिए। ऐसा कुछ वो नहीं बता रहा कि आपको रटना पड़ेगी कोई भी चीज, जो है जो दिख रहा है केवल वो याद करना। देखना, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5, 10, 20 की वृद्धि होती है, कीमत में समतुल्य परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए तीन तरीके, लगभग लगभग तीन से चार तरीके मान लीजिए करने के। पहला तरीका, तीन सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दीजिए, तीन सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लीजिए इसमें, जो तीन फ्रैक्शन का 3% का सक्सेसिव फॉर्मूला था वो लगा लीजिए। दूसरा, दो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लीजिए, दो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लीजिए, दो सक्सेसिव का फॉर्मूला। कैसे? आप इसमें दो सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जैसे एक्स वाई इसे ले लेना, आंसर आएगा कुछ, फिर इसका और इसका लेना तो भी आ जाएगा। ठीक है, तीसरा तीसरा आप रेशो से भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो। मैं इनमें से कोई भी तरीका आपको करके बता सकता हूँ, चाहोगे तीनों करके बता देता हूँ। ठीक है, पहले एक सिंपल तरीका रेशो करके बता देता हूँ। पाँच का मतलब क्या होता है, पाँच का मतलब क्या होता है बताइए? पाँच का मतलब होता है 1/20, 20 से कोई चीज 21 हो रही है, 5 का मतलब 1/20, कोई चीज 20 से 21 हो रही है, इतना मैंने बताया। 10% मतलब कोई चीज 10 से 11 हो रही है, 20% मतलब कि कोई चीज 5 से 6 हो रही है। ठीक है, इतना आ गया, कर लेते हैं। देखिए 5 × 2 = 10 और 2 0 मतलब 1000, अनुपात रेशो क्या करूं, 21 छक्का 126, 126 × 11 कीजिए, 6 6 और 2 8 2 और 1 3 1386। अब मैंने आपको बताया कि बेस को क्या बना लेते हैं, बेस को 100 बना लेते हैं, 1 0 हटाइए तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 100 से कोई चीज़ 138.6 हो रही है, कितनी की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 38.6% की वृद्धि हो रही है। 38.6 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो आप, इसे एक बार देख लेना, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला, 3 वाला या 2 वाला, कोई भी तरीका कर सकते हो, ये बेस्ट है, ये मैंने आपको करके बता दिया। 3 वाला क्या होता है, एक बार मैं आप बोलोगे तो लिख के बता देता हूँ। एक्स बाय प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन में 110,000, इस फॉर्मूला रखिए आंसर आ जाएगा। कैसे रख के, कैसे रखना है एक बार रख के भी बता देता हूँ आपको, एक बार रख के भी बता देते हैं। देखना 20 और 10 30 और 5 35 रख दिया, तीनों का सम प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। देखिए 5 × 10 = 50, 100 × 20 200, 250 हो गया, 250 हो गया, 20 × 5 = 100 मतलब 350 हो गया, 100 का भाग दूंगा तो 3.5 आएगा। ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड मतलब कि 20 × 5 = 100, 100 × 10 1000, 1000 में 10000 का भाग दूंगा तो 0.1 आएगा, इन्हें ऐड कर लीजिए, 3503 38 38.5 और 1 6 38.6% मेरा आंसर आ गया। देखिए इस फॉर्मूले से भी आ गया, एक लाइन में आंसर आया, बिल्कुल आपकी इच्छा जो आप करना चाहो। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए
अगर आप रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हो, क्या रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हो आप, उसमें अभी लेटर कोडिंग चल रहा है, लेटर कोडिंग। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए अभी जो वीडियो करवा दी उन्हें जल्दी से देख लेना। कोशिश कीजिए इसे करने की। एक मोबाइल फोन 15,500 में खरीदा, मूल्य में 20% प्रति दर्ज की दर से मूल्यह्रास होता है, और 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 15,500 का तो मोबाइल था, 20% की कमी होती है, 20% मतलब कि 20% मतलब 5 से 4, ये ना 1/5, 5 से 4। पहले साल 5 से 4 हो गई, मैंने अगले साल देखा, फिर अगले साल 5 से 4 हो गया, अगले साल 5 से 4 हो गया। देखिए 5 × 5 25, 25 से भाग देते हैं, 25 से 25 चंगा 150, 25 चक 150, 5 × 25 = 50, 620 आ गया, 620 आ गया, 25 चंग 150, 25 × 50 0 आ गया। ठीक है, 4 × 16, 16 × 620 में कर दीजिए, 16 × 16, देखिए 16 × 16 इसमें कर देता हूँ 0, 16 × 32 दो, 3 आया, 16 × 96, 96 और 3, 96 और 3 कितना होगा, 99, 99 120। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए एक बार क्वेश्चन को समझ में आया आपको, कोई दिक्कत परेशानी। देखिए जय के पेटीएम वॉलेट में 500 रुपए हैं। ठीक है, देखिए अगर आप एडवांस मैथ पढ़ने की इच्छा हो आपकी, क्या एडवांस मैथ्स, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस मैथ के सारे चैप्टर एक के बाद एक कंप्लीट करा दूंगा। बस आपको अच्छे से कमेंट करके बताना कि सर एडवांस मैथ के चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए, आपको बिल्कुल करवाएंगे। देखना जैके पेटीएम वॉलेट में 500 रुपये हैं, उसने पहले अपने बैलेंस में 20% और फिर 25% की वृद्धि की, प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में बैलेंस में 1% वृद्धि किया। उसने क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितनी वृद्धि होगी, तो इसका तो कोई काम भी नहीं है 500 का। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज और बता दी, यदि समझना, यदि एक्स परसेंट वाई परसेंट की वृद्धि की जाती है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, देखना याद करना है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। अब आपको लग रहा होगा सर बार बार फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये केवल एक कॉन्सेप्ट है जो तरीके से निकल के आया है। ठीक है, अगर आप मैथ कर रहे हो आपको ये नहीं पता, तो आप कहीं ना कहीं इस रेस में पीछे हो। देखना बस इसमें मैं वैल्यू रखूँगा एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन में, देखना 20 और 25 45, प्लस 25 × 50 500, 500 में 100 का भागती है तो 50 50%। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है, बस आपको ये पता होना चाहिए था। देखिए समझना, आ गया। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यदि पहली संख्या का 20%, यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का रेशो बताइए। देखिए मान लिया मैंने पहली संख्या x है 1/5, 20% मतलब 1/5 इक्वल दूसरी संख्या के 1/3 के इक्वल है, ये आ गया दूसरी संख्या के 1/3 के इक्वल है। देखिए तो दूसरी संख्या क्या है 3, पहली संख्या क्या है 5, मतलब y रेशो x में बताऊं तो 3:5, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी मैं आपको करवा रहा हूं, कहीं भी किसी भी बुक से डायरेक्ट पेस्ट नहीं किया गया, ये सारे प्रीवियस ईयर उठाए। ठीक है,
ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, आप ट्राई कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपये लीटर, 95 रुपये लीटर से 110 लीटर हो जाती है, तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाना चाहिए, कितने परसेंट की कमी की जाना चाहिए ताकि उसका खर्च उतना ही रखे। मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंस इक्वल होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। एक्सपेंस को अगर कांस्टेंट करना है तो ये दूसरे एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। प्राइस में चेंज क्या किया, प्राइस जो थी प्राइस में उसने ये किया कि प्राइस बढ़ जाती है 95 से 110, मैं काट लेता हूँ, 5 से काटा 19, 5 से काटा 22, ठीक है, ये प्राइस में चेंज है। कंजप्शन में चेंज उल्टा होगा, मतलब 22 से 19, कितने की कमी करना चाहिए बताओ। 22 से 19 गया, कितने की कमी है, 19, 3 की कमी, 3 की कमी कितने पर, 22 की। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए। देखिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। 3/11 इंटू कितना, 2। 1/2 को मैंने अलग कर दिया, 3/11 को अलग कर दिया। 3/11 की, 3/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/11 कितना होता है, 9.09, इसमें किया तो 27.27। 2 का भाग दीजिए, 2 से कितना आएगा, 1, 3, 6, 13.6% लगभग में इसमें दे रखा है। क्या ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को देखिए एक बार, समझना क्या आपको आ रहा है, जो चीज आपको बताई जा रही है, जो कॉन्सेप्ट, जो तरीका आपको बताया जा रहा है, क्या आपको वो समझ में आ रहा है। देखो एक बार समझना, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हमारे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये ज़्यादा ही सिंपल है, इसको परसेंट परसेंट में बदलना है, 3/4 को परसेंट में बदलना है, इंटू 100% कर लीजिए। 4 से काटा 25, 25 थी 75%। ऑप्शन नंबर सी, ये भी आया है प्रीवियस ईयर 2023 में आया हुआ SSC GD में। देखना, अगर आप परसेंटेज की एक क्लास देखना चाहते हो जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट करा दिए, 4 घंटे की क्लास यूट्यूब पर डली हुई है। जैसे ही आप यूट्यूब पर जो आइकन रहता है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, आप उस पर टिक कीजिए, क्लिक कीजिए, सबसे पहले ऊपर में ही आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी, परसेंटेज 4 घंटे की कंप्लीट वीडियो, उसे आप देख सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और बड़ी हुई संख्या में 20% की कमी हो जाती है, मूल संख्या के परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बस इसी में विद साइन आपको चीजें रखना है। एक्स प्लस 10, वाई माइनस 20, प्लस एक्स वाई मतलब कि 10 इंटू माइनस का 20 अपॉन में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 10 माइनस 20 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, -10, और ये -2 -2 हो जाएगा, 10 और 2 -12%। माइनस क्या दर्शाता है कि कमी हो रही है, तो -% 12% की कमी, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए ये भी ऑप्शन में दिया गया है, ये वाला ऑप्शन, तो ये गलत होगा। ठीक, देखना समझना, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी क्वेश्चन में किसी तरीके में, कि आपको कोई तरीका जो आपको समझ नहीं आया हो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्या अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो SSC में, और उसमें GK आती है, GK, तो आपको MCQ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या MCQ लगाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के MCQ होते हैं वही आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करते हैं। आपको आइडिया लग पाता है कि आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे एग्ज़ाम में, तो उसी के लिए हमने
क्लास बनाई है जो डेली चलती है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसमें अभी हिस्ट्री चल रही है, स्टार्टिंग से चल रहा है। इसमें आपको दो चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या एक तो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं एसएससी के, मतलब जो हिस्ट्री है उसके, और दूसरा आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारा आज का क्या कहता है। देखिए, मैंने आपको इतने क्वेश्चन कराए, अब आपका एक फर्ज बनता है इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओ। हिंट एक दे देता हूं, क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। अगर आप ये लगा देता हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो अगली क्लास में आपको डालूं तो सीधे आपके मोबाइल में ऊपर ही दिख जाए क्लास, और उससे आप देख लो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए अंदाज में, नए क्वेश्चंस के साथ में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। आज मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए, इनका रिवीजन कीजिए, क्लास को आप चाहो तो दोबारा देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।